ऑल राइट गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के स्टाइल्स के बारे में। तो स्टाइल का बेसिकली क्या मतलब होता है? स्टाइल्स जो होते हैं HTML के एलिमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं, और स्टाइल अप्लाई करने के बाद किसी भी एलिमेंट का हम कलर चेंज कर सकते हैं या उसके टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो CSS का पार्ट होता है। CSS क्या होता है? CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट को के थ्रू हम HTML के अंदर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स होता है जो हमारा टैग नेम है, उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद इसमें CSS की प्रॉपर्टी कॉलन CSS की वैल्यू। और यहाँ पे स्टाइल में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, प्रॉपर्टी वन उसकी वैल्यू वन सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी टू कॉलन वैल्यू टू एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू क्या होती है? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू का कॉम्बिनेशन। सो ये हमारा सिंटेक्स है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने h1 एलिमेंट h1 स्टार टैग यूज किया है और यहाँ स्टाइल इक्वल टू लिखा है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। बैकग्राउंड कलर करते ही जो भी मैं यहाँ वैल्यू पास करता हूँ उस h1 टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ओके तो उसी तरीके से हम एक टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कलर, और यहाँ अगर आप ध्यान दो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड कलर, यहाँ सिर्फ कलर, कलर देते ही उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप फॉन्ट की फैमिली चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट डैश फैमिली कॉलन एरियल, एरियल की जगह वरदाना, और बाकी अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज भी यूज कर सकते हो। अगर हम फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज 300%, तो ये हेडिंग 3 जो है वो 300% साइज इसका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में भी कर सकते हैं। ओके तो ये जहाँ हम H4 स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे वो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा I am सेंटर। और ऐसे बहुत सारे और भी CSS के प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।